बातें 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 और क्या। अगले दिन सुबह जल्दी ही अदिति और सिया स्टेशन के लिए निकल गईं। वहां जाकर ट्रेन पकड़ी और अपने घर पहुंच गईं। लखनऊ स्टेशन पर दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और अपने अपने घरों की तरफ निकल ली। अदिति अपने घर पहुंची। घर पर सब उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसके पहुंचते ही उसकी मम्मा दौड़ कर आई और उसे गले लगाते हुए खूब सारा प्यार किया। तो मेरा बेटा कैसा है, पीछे से पापा ने आते हुए पूछा और उसे गले लगा लिया। सुनीता झट से दौड़कर उसके लिए पानी लेकर आई। अरे सुनीता दीदी, अभी तक आप यही हैं? मुझे तो लगा था अब तक मम्मा से लड़ लड़ के निकल ली होंगी। क्या आप भी ना, कहते हुए सुनीता किचन में चली गई। उधर आदित्य लगा हुआ था अपने ड्रीम्स पूरे करने में, पर आजकल बीच बीच में उसे अदिति की बातें भी याद आने लगी थी। उसने भी कोशिश की और सिया नाम की 156 लड़कियों को देखकर ये सोचा भी कि वो ऐसी होगी या वैसी होगी। सोचता रहा, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। वही मनुष्य प्रवृत्ति। वरुण ने उसे एक एडवाइस भी दी, एक काम कर, पुणे की सारी सिया नाम की लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज दे, सब वहीं से जूते फेंक के मारेंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। आदित्य को भी लग रहा था ये सब उसे उसके ड्रीम से दूर कर रहा है, पर वही ना, इंसान का अपने दिल पर काबू कहाँ होता है। अगर होता तो बहुत सी प्रेम कहानियां शुरू होने से पहले वो खुद ही उसे खत्म कर देते। इधर अदिति अपनी ही दुनिया में थी। अदिति की मौसी भी उनके साथ ही रहती थी। अदिति के घर में लव मैरिज के दोनों उदाहरण थे। एक ओर जहां माँ बापा बहुत खुश थे लव मैरिज करके, वहीं दूसरी तरफ मौसी, जिन्हें उनकी लव मैरिज के बाद धोखा मिला, और फिर नाना नानी के जाने के बाद वो अब उनके साथ ही रहते हैं। अदिति अपनी मौसी के बहुत क्लोज थी। रात का समय था, अदिति ने सबके साथ खाना खाया और अपनी रूम में चली गई। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया, सोचा कुछ पढ़ ही लूं, पर वही इंसान का विचित्र नेचर, अकेले में वो सोचता है जो सोचना उसे अच्छा लगता है। उसने अपना व्हाट्सएप ऑन किया और सीधे आदित्य का प्रोफाइल देखने लगी। व्हाट्सएप के लास्ट सीन से कितने लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं ये तो आजकल सब जानते हैं। बस तो हमारी अदिति ने भी आदित्य का लास्ट सीन देखा, जो कि एक दिन पहले का था। अदिति को थोड़ी टेंशन हुई, ये लड़का व्हाट्सएप भी नहीं चलाता, करता क्या है, बात करूं सब ठीक तो है। नहीं यार, क्या सोचेगा, रहने देती हूँ। अदिति ज्यादा मत सोच इस बंदी के बारे में, क्या है, कौन है, कितना सही कितना गलत, बंद कर दे सोचना, चल सिया को ही फोन कर लेती हूँ। सोचते हुए उसने सिया को फोन किया। सिया भी अपने कमरे में ही थी। क्या हुआ स्वीटी, कैसे याद किया, उसने फोन उठाते हुए बोला। यार कुछ अजीब सा लग रहा है, अदिति थोड़ी मायूस होकर बोली। क्या हुआ, सिया ने पूछा। वो आदित्य है ना, उसने कल से फोन नहीं देखा, वो ठीक होगा ना, अदिति ने सिया को कुछ सोचते हुए कह डाला। ओए तेनू की फर्क पैंदा है, और पागल पागल हो गई है क्या, कुछ भी मत सोच, और ये समाज सेवा कि वो ठीक होगा या नहीं सब बंद कर दे। वैसे भी 3-4 दिन पहले बात की थी तूने ना, तो अब उसे फोन करना चाहिए ना कि तुझे, समझी। हाँ यार सही कह रही है, इंसान को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, है ना गुरु माता, कहते हुए अदिति जोर से हंसने लगी। सिया को भी उसकी हरकतों पर हंसी आ गई। चल गुड नाइट, कहते हुए उसने फोन कट कर दिया और लग गई लैपटॉप पर कुछ पढ़ने। तभी उसने सुना बाहर से गानों की आवाज आ रही थी। माँ पापा रोज शाम को समय साथ स्पेंड करते थे अपने पुराने गानों के साथ। कई बार गाने हमारे जीवन में आग में घी डालने का काम कर ही देते हैं। अदिति के साथ भी वही हुआ। अब उससे रहा नहीं गया, उसने आदित्य को फोन घुमा ही दिया। आदित्य पढ़ रहा था, उसका फोन रिंग हुआ। पहले उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इस बार अदिति ने उसे 4 दिनों बाद फोन किया था।
हे सिया, कैसी हो? फोन उठाते ही वो झट से बोल पड़ा। हाय, सामने से अदिति मुस्कुराते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, अदिति बोली। क्या यार फॉर्मल हो रही हो, तुम बोलो प्लीज, अच्छा लगता है। आदित्य ने अपने चेयर पर बैठे हुए फैन को पेपर पर चलाते हुए कहा। तुम कहते हुए अदिति मुस्कुरा दी। ये हुई ना बात, सो कुछ बताओ अपने बारे में, आदित्य बात आगे बढ़ाते हुए बोला। तभी बाहर से अदिति की मम्मा रूम में एंटर करते हुए बोली। चोना क्या कर रहे, अगर सुई ना हो तो बाहर आ जा। हाँ मम्मा, बस आती हूँ, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। आदित्य को थोड़ा अजीब लगा, उसने तो बताया था वो हॉस्टल में रहते हैं। फिर अदिति ने अपनी माँ को जैसे तैसे रूम से बाहर निकाला। सॉरी यार, वो मम्मा आ गई थी, अदिति ने कहा। तुम तो हॉस्टल में रहती हो ना, तो मम्मा कैसे आ गई, अदिति ने पूछ लिया। अरे यार, मैं ना बताना भूल गई थी, मैं घर आई हूँ कुछ दिनों के लिए। ये पहला सच था जो अदिति ने आदित्य से कहा था। ओह अच्छा, से माय हेलो टू अंकल एंड आंटी, वो बोला। हाँ और क्या कहूंगी, एक रॉन्ग नंबर ने आपको हाय कहा है। कुछ भी हाँ, अदिति ने कहा। अच्छा एक बात बताओ, तुम व्हाट्सएप ज्यादा यूज नहीं करते हो क्या, कल का लास्ट सीन पड़ा है, अदिति ने बातों बातों में पूछ डाला। करता हूँ जब जरूरी हो, थोड़ा बिजी रहता हूँ। तुम अपना व्हाट्सएप नंबर दो ना, जब बात करनी होगी तो मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, आदित्य कहता है। मैं फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं चलाती, ये आया आदित्य का एक और झूठ। बताओ ना प्लीज, मुझे भी तुम्हें देखना है, आदित्य की हल्की हल्की बेकरारी अब झलकने लगी थी। यूं ही हमने दिल साफ रखा हुआ, पता नहीं था कि कीमत तो सिर्फ चेहरों की होती है। अदिति को पता था कैसे आदित्य के सवालों का जवाब देना है। हे ऐसी बात नहीं है यार, आदित्य बोला। उधर वरुण पीछे से बोला, भाई सेट हो गई क्या? आदित्य ने उंगली दिखा के उसे चुप किया। अच्छा अपना पूरा नाम तो बता दो, फेवरेट हीरो, गाना, कुछ तो बताओ, वो तो कोई सीक्रेट नहीं है यार, आदित्य चुप हो गई। अच्छा ठीक है मैडम, तुम्हारा निक नेम तो शोना है, ये मुझे पता लग गया, आदित्य उसे छेड़ने के लहजे में बोला। अदिति हंसने लगी और बोली, चलो अपना भी निक नेम बता ही दो। कोई निक नेम नहीं है यार, कोई प्यार नहीं करता, तुम ही रख लो कुछ, आदित्य को उससे बातें करने में मजा आ रहा था। ठीक है मैं तुम्हें आदि बुलाऊंगी और तुम मुझे शोना बुला सकते हो, उसने क्यूटली कहा। पक्का, आदित्य बोला। अच्छा सुनो मैं चलती हूँ, मामा बुला रहे हैं, और हाँ तुम्हें बात करनी हो तो तुम मुझे फोन कर सकते हो, अदिति मुस्कुराते हुए बोली। ये बता दो घर कब तक रहोगी, आदित्य नहीं चाहता था वो फोन कट करे। 3 वीक का प्लान है, देन रिटर्न, वो बोली। और सुनो व्हाट्सएप हर घंटे चेक किया करो, वरना टेंशन में फोन करना पड़ता है। अच्छा मतलब व्हाट्सएप नहीं देखा तो तुम फोन कर लोगे, वो उसे छेड़ते हुए बोला। नहीं जान ले लूंगी, फोन तो बात नहीं करूंगी, आदिति बोली। आदित्य हंसने लगा और बोला, तो अब हम दोस्त हो गए? हाँ हो गए, आदिति मुस्कुराई। आदिति ने बाय की और फोन कट कर दिया और उछलते कूदते रूम से बाहर आ गई। इधर आदित्य ने व्हाट्सएप ऑन किया और बहुत ही हैंडसम वाली डीपी लगा दी, वो ये तो समझ ही गया था कि वो उसे देख रही है। वरुण आदित्य को देख रहा था। क्या भाई तू भी चढ़ गया क्या मोहब्बत वाली ट्रेन पे? कुछ भी नहीं बता रही है वो, मामू बना के निकल जाएगी, देखा है लोगों को प्यार में पागल होते हुए, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे उसके माया जाल में फंसने नहीं दूंगा, इश्क विश्क का रोग मत लगा लेना भाई, वरुण ट्रेन की स्पीड में सब बोल दिया। इश्क का तो पता नहीं यार, पर जो उससे है वो किसी और से नहीं। इन पिछले 3-4 हफ्तों में जब भी उससे बात हुई है ना, मन को अच्छा लगा। अब उसे और ज्यादा जानने का मन है, उसे देखने का मन है। अगले दिन जब अदिति सोकर उठी और बाहर आई, उसने देखा पापा घर पर नहीं थे और माँ सीमा और मौसी नेहा अपनी योगा करने में बिजी थी। शोना काम, चल ज्वाइन कर हमें, नेहा ने उसे आवाज लगाई। हेलो यंग लेडीज, और कितनी उम्र कम करनी है, मुझसे भी छोटी लगोगी थोड़े दिनों में,
और यार मौत से मुझसे नहीं होती ये सब, मुझे माफ करो। वैसे पापा कहाँ गए हैं सुबह सुबह? उसने इधर उधर देख कर पूछा। शोना नो नाटक, चलो आओ सुनीता, मैट लेकर आओ जल्दी से, सीमा जी ने सुनीता को आवाज लगाते हुए कहा। हो भाभी, कहते हुए सुनीता दौड़ के मैट ले आई। पापा कहाँ गए बताओ ना, अदिति ने दोबारा पूछा। अरे पापा, तुम तो जानती हो पापा कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उनके कुछ पेशेंट बहुत क्रिटिकल होते हैं, आज उनका कोई पेशेंट सीरियस है तो हॉस्पिटल गए हैं, सीमा जी ने उसे मैट पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। ओह, कहते हुए अदिति ने उन्हें योगा में ज्वाइन किया। इधर आदित्य सुबह वही अलसाया सा अपने बेड पर पड़ा था, आज संडे भी था और आज वो जल्दी उठ गया। उसने सोचा आज उसे फोन करना चाहिए। अदिति बाथरूम में थी और सुनीता को कह गई थी कि उसकी चाय रूम में ही ले आए। सुनीता जैसे ही कमरे में आई, आदित्य ने फोन कर लिया। सुनीता ने आवाज लगाई, दीदी आपका फोन बज रहा है, बाथरूम से अदिति ने पूछा। किसका फोन है? अब सुनीता की परीक्षा थी, उसे अंग्रेजी में लिखा हुआ आदित्य का नाम पढ़ना था। उसने शुरू किया, ए से आ हा आ डी ध धा, फिर एक सांस में बोली, दीदी आधार वालों का नंबर है फोन पर, आधार कार्ड वालों का होगा दीदी, फोन दूंगी आपको। बेचारी सुनीता, आधार कार्ड राशन कार्ड से ज्यादा कुछ उसे पता ही नहीं था। नहीं कोई जरूरत नहीं है, अदिति ने कहा। मैं जवाब दे दूं कि आप बिजी हो, सुनीता बड़ी उत्तेजित होकर बोली। उसने भी सोचा सर अब बात तो करें स्मार्टफोन पर। अदिति ने सोचा स्पैम होगा, वो बोली हाँ कर लो। सुनीता ने फोन उठाया और जोर से बोली, हेलो। आदित्य बोला, क्या है सिया इतना क्यों चला रही हो? कौन चला रहा है? इधर से सुनीता ने जोर से जवाब दिया। अरे अरे हुआ क्या है, धीरे बोलो ना, आदित्य अपने फोन पे हाथ लगाते हुए बोला। और कितना धीरे बोले, सुनीता बोली। हाँ बताओ क्या काम था आपको, हमको बताओ। आदित्य सोचने लगा इसे क्या हुआ, वो बोला, सिया ही बोल रही हो ना? कौन सिया, सुनीता बोली। आदित्य ने फोन देखा, नंबर तो ठीक है। उधर वरुण ने आदित्य को पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने फोन वरुण को पकड़ा दिया। वरुण बोला, हेलो सिया। सुनीता को लगा कोई उसकी अदिति दीदी को तंग कर रहा है, उसने अपना फर्ज पूरा करते हुए फोन पे डांट मारना शुरू कर दिया। कौन बोल रहा है बे, क्यों तंग कर रहा, हट फोन रख, खाली फोकट में टाइम वेस्ट किया, वरुण ने डर के फोन काट दिया। अबे एमकॉम नहीं कर रही है, झाड़ू पोछे वाली है ये, क्या हो गया आदित्य, मेरे टेस्ट को मतलब भाई के साथ, हाँ इतने बुरे दिन आ गए तेरे, तेरा भाई के साथ, यार ये सोचकर मतलब तेरा फ्यूचर क्या होगा, वरुण तो टेंशन में आ गया। चुप कर, ये वो नहीं थी, किसी और ने फोन उठाया था, आदित्य बोला। सुनीता इतराते हुए कमरे से बाहर चली गई, खुद पर गर्व करते हुए कि उसने घर की बेटी को गुंडों से बचाया और अपना फर्ज पूरा किया। इधर अदिति को तो पता भी नहीं लगा कि आदित्य का फोन था। शाम के टाइम जब अदिति के पापा डॉक्टर मल्होत्रा घर आए, उसने देखा वो बहुत परेशान थे। क्या हुआ पापा, आपके पेशेंट ठीक है ना? अदिति उनके पास सोफे पर बैठते हुए बोल। किस्मत का खेल भी ना बड़ा अजीब है। जिसको चाहे बना दे और जिसको चाहे बिगाड़ दे, एक रात में माला माल होना किस्मत का ही तो अजूबा हो सकता है।
लगता है, क्योंकि लकी को जब प्यार में धोखा मिला तो उसके बैंक बैलेंस का अमाउंट बढ़ता चला गया। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या था धोखा और बैंक बैलेंस का कनेक्शन? डियर लिसनर, अनलकी लकी की लकी कहानी अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए इंस्टा मिलेनियर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ते हुए बोली सुनीता पानी ले आई। नहीं बेटा, अल्होत्रा जी ने पानी पीते हुए जवाब दिया। क्या हुआ पापा, आप उदास क्यों हैं? अदिति ने पूछा। एक छोटा सा बच्चा था, ऑर्गन डेफिशिएंसी की वजह से उसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और उसने दम तोड़ दिया। उसके पेरेंट्स की शक्ल दिख रही है आंखों में, मल्होत्रा जी ने जवाब दिया। पता नहीं क्यों लोग ऑर्गन डोनेशन नहीं करते हमारे यहाँ, मल्होत्रा जी ने कुछ सोचते हुए बोला। पापा, ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म मुझे भी डालना था, कई दिनों से सोच रही हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगे ना? अदिति अपने पापा के कंधे पर सर रखते हुए बोली। हाँ बेटा, जरूर, अभी थोड़ा परेशान हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ, कहते हुए मल्होत्रा जी अपने रूम में चले गए। अदिति भी अपने रूम में आई, उसने फोन रख दिया। सुबह का आदित्य का कॉल पड़ा था, वो भी अटेंड किया हुआ। यही वो फोन होगा जिस पर सुनीता दीदी ने बात की, राम जाने कितना रायता फैला गई होगी। उसने तुरंत आदित्य को फोन किया। सामने से आदित्य ने कहा, हे हाय, तुमने फोन किया था? अदिति बोली, हाँ किया था, किसने उठाया था ये बताओ, आदित्य अपनी बालकनी में जाते हुए बोला। सुनीता दीदी ने, वो मेड है हमारे यहाँ, कहते हुए अदिति हंसने लगी। बाबा क्या डेंजर है वो, कितना चिल्लाती है, तुम अपना फोन किसी को देती क्यों हो? आदित्य बोला। अरे वो ऐसी ही है, फालतू के कामों में टांग अड़ाने में ना उन्हें मजा आता है, अदिति हंसते हुए बोली। सुनो, यहाँ बारिश हो रही है, जाने क्यों मिस करने लगा हूं तुम्हें, आदित्य कुछ खोया हुआ सा बोला। अदिति हल्का सा मुस्कुरा दी। अच्छा तुम करते क्या हो, मींस स्टडी जॉब, अभी तक तुमने बताया नहीं, अदिति ने पूछा। अभी तक तुमने पूछा भी नहीं था, वैसे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, अभी 6 मंथ में एग्जाम है, देन जो भी होता है, आदित्य ने वापस रूम में आते हुए बोला। और तुम्हारा रूममेट कोई है या अकेले हो, अदिति ने पूछा। है ना वरुण, मेरा जिगरी यार है वो, स्कूल कॉलेज और यहां भी साथ, आदित्य ने वरुण को देखते हुए कहा। अदिति ने कहा, मेरा हाय कहना उसे, आदित्य ने वरुण को बताया। तभी पीछे से वरुण जोर से बोला, हाय सिया। सिया सुनकर थोड़ा विचलित हुई, उसने अपना सही नाम अभी तक जो नहीं बताया था आदित्य को। उसने बात आगे बढ़ाई और पूछा, रहते कहाँ हो? मैं दिल्ली में, आदित्य बोला। वैसे बहुत सी सिटी में घर है मेरे, वो आगे बोला। बेसिकली फ्रॉम जयपुर, पापा की पोस्टिंग नागपुर और भैया भाभी मुंबई में। तुम कहाँ की रहने वाली हो, मींस घर जहां भी हो, उसने पूछा। मैं लखनऊ की हूं, ये दूसरा सच जो अदिति ने उसे बताया। और एमकॉम पुणे से ना, आदित्य ने पूछा। इस बात पर अदिति चुप हो गई। क्या वो सही है या झूठ बोला था, आदित्य ने थोड़ा सीरियस होकर बोला। झूठ कहा था, आदिति ने कहा। आदित्य को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा, आज के बाद अगर कुछ नहीं बताना है तुम्हें तो तुम मना कर सकते हो, पर यार प्लीज झूठ नहीं, मुझे झूठ पसंद नहीं है, इतना कहकर वो चुप हो गया। ओके, इतना कहकर अदिति भी चुप हो गई। फिर बोली, मेरे घर में हमारे साथ मेरी मौसी भी रहती हैं, मैंने उन्हें बचपन से रोते बिलखते सबकी सुनते सबका गुस्सा सहते देखा है आदित्य, मुझे थोड़ा ट्रस्ट इशू है,
मैंने जो भी उनके साथ होता हुआ देखा है ना, उसके बाद भरोसा ही नहीं होता किसी पे जल्दी। वो अब जाकर थोड़ा नॉर्मल हुई है। काफी टाइम डिप्रेशन, हॉस्पिटल, सब कुछ देखा है प्यार के चक्कर में, और जिसके लिए सब कुछ चाहा वो ही छोड़ के चला गया। जब तुमसे पहली बार बात की थी तब बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये बातें महीनों चलेंगी। सोचा था टाइम पास करते हैं, अब देखो उलझ के रह गई। कहते हुए अदिति चुप हो गई। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो या एकदम से मेरे पास आ जाओ। बस जो भी कहो सच कहो, वरना कह दो कि मैं बाद में बात कर लूंगी। एटलीस्ट मैं किसी गलत फहमी में तो ना रहूं। और रही बात फर्स्ट टाइम से अभी तक की, तो एक चीज तो है, करीब आने लगा हूं तुम्हारे। एक मिनट दोनों खामोश रहे। अदिति बात शुरू करते हुए बोली, ठीक है प्रॉमिस, आज से झूठ नहीं, पर कुछ नहीं बताऊं तो फोर्स भी नहीं करोगे। ये हुई ना बात पक्का। तभी अदिति को फोन पर गाना सुनाई दिया। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ये किशोर कुमार कौन सुन रहा है, अदिति ने पूछा। ये हमारे विंग का सिक्योरिटी गार्ड है, मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ तो आवाज डायरेक्ट आती है, आदित्य विंडो बंद करते हुए बोला। तुम कैसे गाने पसंद करते हो वैसे, अदिति ने पूछा। आम दोस्तों के साथ मीका और अकेले में किशोर कुमार, कहते हुए वो जोर जोर से हंसा। अदिति भी हंसने लगी। आदित्य बोला, तुम्हारी आवाज ना बहुत प्यारी है और तुम्हारी हंसी तो बहुत देर तक रहती है मेरे साथ। हाँ चुड़ैलों की तरह हंसती हूँ ना, नेहा मौसी हमेशा कहती है, अदिति हंसते हुए बोली। अब आदित्य भी जोर से हंसने लगा। अच्छा अभी क्या कर रही थी? अब बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे की हर छोटी बड़ी चीज को जानने लगे थे, पसंद ना पसंद, फेवरेट खाना, फेवरेट कलर, सब कुछ। वही मनुष्य का विचित्र स्वभाव। अब आलम ये था कि अदिति हर समय मन में आदित्य से बात करती रहती थी, ये पूछूंगी आज, ये पूछूंगी आज, और मंजर ये था कि वो उसे हर जगह दिखाई भी देने लगा था। कभी माली बनकर फूलों को पानी देता, कभी काका बनकर सब्जी ले आता। बातें बढ़ने लगी थी, बेकरारी दिखने लगी थी, मन बेचैन रहता था और हर शख्स में उसे ढूंढा जाता था। कहने का तात्पर्य ये है कि कबाड़ा पूरी तरह से हो चुका था। हिरासत में रहने लगे थे दोनों एक दूजे की हसीन यादों के। डर ये था कि कहीं कोई आकर जमानत ना करते। उधर आदित्य भी सिविल सर्विसेज की तैयारी को अलमारी में रखकर उस पर ताला मार चुका था और अपने आप को तबाह करने की पूरी तैयारी कर चुका था। जब भी कुछ खाता सोचता अगर वो साथ होती, कुछ भी नया खरीदता तो सोचता वो साथ होती। देखते देखते दिन गुजर रहे थे और दोनों धीरे धीरे दूसरे के मन में समा चुके थे। 3 हफ्ते गुजर चुके थे और अदिति वापस मुंबई पहुंच चुकी थी। आदित्य से बात करते हुए 2 महीने कैसे गुजरे उसे पता ही नहीं चला। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।